हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एजुकेशन एंड मोटिवेशन। एंड आज के इस वीडियो में हम जो 2022 में अभी जियो फिजिसिस्ट के लिए जो एग्जाम हुआ है उसका इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। और ये जो स्क्रीन पे आपके जो सेट दिखाया हुआ है वो सेट ए है, प्रोबेबली मुझे जो क्वेश्चन पेपर मिला है तो आप देख लेना कुछ सेट का है, मोस्ट प्रोबेबली सेट ए है। और ठीक है, तो इसमें अभी हम वन बाय वन सारे क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस करेंगे। और जो भी ये जो कुछ जितने भी आंसर्स होंगे मोस्ट प्रोबेबल आंसर्स होंगे, मैं ये नहीं कहता कि 100% सही होंगे, क्योंकि मैं फिजिक्स बैकग्राउंड से हूँ, इवन जियो फिजिक्स की उतनी नॉलेज नहीं है। और इवन फिजिक्स बैकग्राउंड से होने के बाद भी हर क्वेश्चन जो फिजिक्स का है वो 100% सही होने का थोड़ा एक्सपेक्टेशन जो है वो इतना भी सही नहीं है, तो कुछ क्वेश्चंस गलत हो सकते हैं। तो उसके रिगार्डिंग आप जो भी आपके जो सजेशंस हैं, जो भी आपके हिसाब से जो ऑप्शन करेक्ट है उसको आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ओके, सो अभी पहला जो क्वेश्चन है आपका वो क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स इज आर एप्लीकेबल फॉर आर्कियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन। ओके, सो इसमें जो मेथड्स जो एप्लीकेबल हैं वो ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार रहता है, रेजिस्टिविटी रहता है एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मेथड्स रहता है। ग्रेविटी मेथड्स का भी यूज होता है पर इनडायरेक्टली वे में, मतलब एक एज ए सपोर्टिंग रोल में जनरली हम ग्रेविटी को यूज करते हैं। जो मेन फंडामेंटल आर्कियोलॉजिकल स्टडीज है उसमें उसका उतना यूज नहीं है। तो जनरली जो विचार ऑप्शन एक साथ किसी में दिए हुए नहीं है, तो जो आपका मोस्ट प्रोबेबल आंसर है वो ऑप्शन डी है। ठीक, उसके बाद जो सेकेंड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रिंसिपल सब डिविजन ऑफ जियो फिजिक्स। तो इस ये थोड़ा डिबेटेबल टॉपिक है, क्योंकि हमें पता है कि सेस्मोलॉजी या टेरेस्ट्रियल जो मैग्नेटाइजेशन है वो तो डेफिनेटली सब डिविजन है उसके। उसके बाद मेट्रोलॉजी एंड पेट्रोलॉजी जो है ये दोनों में क्या है कि एक है वो इन्वायरमेंटल जो भी स्टडीज हैं उनमें जो फिजिक्स का यूज हो रहा है, और एक जो पेट्रोलॉजी है। तो हम इसमें ये मान के चलते हैं कि जो जियो फिजिक्स है वो अर्थ से रिलेटेड ज़्यादा है, जो स्टडी अर्थ की में एप्लीकेशन है फिजिक्स का वो है, पर पेट्रोलॉजी बेसिकली हिस्ट्री है रॉक्स की। अब वो रॉक्स कैसे बनी उसमें जियो फिजिक्स का यूज होता है, तो उसको अंडरस्टैंडिंग के लिए, तो इसलिए हम डी को ये मान के चलते हैं कि वो एक सब डिविजन है जियो फिजिक्स का। मतलब श्योर नहीं है, दोनों बी और डी में से कोई एक ऑप्शन होना है आपका। तो जो करेक्ट आंसर है जो नहीं है वो मेट्रोलॉजी हम अभी मान के चल रहे हैं। आपका डी भी सही हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, पर क्योंकि अर्थ साइंस से रिलेटेड अर्थ से रिलेटेड जो है तो उसमें पेट्रोलॉजी आती है। ठीक है, उसके बाद जो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका, क्वेश्चन नंबर थर्ड में काफी सिंपल है, ऑप्शन सी आपका सही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर फोर जो है आपका, उसमें आपका ऑप्शन जो है सी वापस सही है, क्योंकि इसमें जो प्लूटो है वो आपको पता है ड्वार्फ प्लेनेट होता है, मून जो है नेचुरल सैटेलाइट है। तो आप इस तरह से अगर ऑप्शन मैच कराओगे तो आपका वो इजीली, ये क्वेश्चन थे वो काफी सिंपल रखे गए हैं। इन जनरल अगर तुम एक फिजिक्स स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से देखोगे तो ये जो क्वेश्चंस हैं इतने ज्यादा नॉलेजेबल नहीं है, और इतना मतलब कॉमन टर्म में यूज होने वाले क्वेश्चन नहीं है। बट अगर जियो फिजिक्स की तरफ से अगर आप देखोगे तो ये जो क्वेश्चन जो जियो फिजिक्स और फिजिक्स में आए हैं वो जियो फिजिक्स के स्टूडेंट के हिसाब से अगर मैं कहूँ तो इस पेपर को, तो पेपर जो है इजी है। मैं कंपेयर नहीं करूंगा 2021 के, क्योंकि 2021 का जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन पेपर जो था वो थोड़ा और इजी था इसके कंपैरिजन में, इससे कंपैरिजन में थोड़ा टफ है। पर अगर ओवरऑल अगर एक जियो फिजिक्स के स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से इस क्वेश्चन पेपर को आप देखोगे तो ये थोड़ा ईजी है इन कंपेरिजन टू फिजिक्स के स्टूडेंट्स को। तो ये होपफुली ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है क्वेश्चन पेपर को देखने के बाद, और ये थोड़ा पर्सन टू पर्सन भी वेरी करता है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नंबर फिफ्थ, उसका ये काफी सिंपल क्वेश्चन है। उसके बाद इसमें दिया क्या है, अज्यूमिंग द मेजरिंग ग्रेविटी इज इक्वल टू द नॉर्मल ग्रेविटी वैल्यू, विच पॉइंट ऑफ द अबव डायग्राम है जीरो बॉगर एनोमली। तो ये कब होगा, जबकि बॉगर किसी भी एनोमली को आप जब सेम पॉइंट पे लाई करेगा, जो रेफरेंस लाइन है उसी पे लाई करेगा, तो ही आपका जीरो होगा। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही हो जाएगा। उसके नंबर क्वेश्चन नंबर सिक्स का ये काफी सिंपल क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर सिक्स में जो आपका आंसर आएगा वो ए आएगा, क्योंकि जो ये नेचुरल स्टेटमेंट है यूनिवर्सल स्टेटमेंट है और उसका कंसिक्वेंस जो है वो ऑप्शन बी में रखा गया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेवन है आपका, क्वेश्चन नंबर सेवन को अगर आप देखोगे तो ये जो विन मैथ्यू मोरले हाइपोथेसिस है ये इसका जो करेक्ट नॉट करेक्ट पूछा है इन्होंने, तो नॉट करेक्ट में जो आपका है मोस्ट प्रोबेबल आंसर वो ऑप्शन डी है। ठीक है,
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 में अगर देखोगे तो आप स्क्विड मैग्नेटोमीटर और स्पिनर दोनों रेमिनेंट मैग्नेटाइजेशन के लिए यूज होता है, पर अगर तुम अब पर्टिकुलरली अगर देखोगे तो स्पिनर यूज होता है, तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर है वो डी होगा। स्क्विड भी यूज होता है पर पर्टिकुलरली वो उसके लिए नहीं बनाया रेमिनेंट के लिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 में आपका आंसर है बी, क्योंकि जो पेगमाटाइट जो है काइंडली डायमैग्नेट तो नहीं कहूंगा मैं, बट बहुत ही नेग्लिजिबल मैग्नेटाइजेशन होता है इसका, तो ससेप्टेबिलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा कम है इन कंपेरिजन टू अगर आप अदर टू के देखोगे। उसके बाद ये जो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है इसको तो आपको अगर पता होगा कि जो फॉर्मूला है अगर आप निकालोगे इंक्लिनेशन का, तो वो क्या होता है, टेन आई होगा वो इक्वल्स टू होगा 2 × 10 लैम्बडा। लैम्बडा क्या है, यहाँ पे लेटिट्यूड है आपका, तो 1060 क्या होता है, √3। और अब जब टेन को इधर की साइड लेके आओगे तो आपका ऑप्शन बी जो होगा वो सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 11 में ये काफ़ी सिंपल है रखा है आपके यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन डी 11th में। ठीक है, उसके बाद सरफेस वेव जो है जल्दी डिके करती है इन कंपेरिजन टू सरफेस वेव 2D वेव्स हैं, और जो बॉडी वेव्स हैं वो 3D वेव्स हैं, तो उस कंपेरिजन को आप देख के आप ये ऑप्शन आसानी से टिक कर सकते हो, इसका जो ऑप्शन है सी सही है 12th का। उसके बाद 13 में अगर आप देखोगे तो ये आपका थोड़ा सा मेरे को उतना क्लियर नहीं है, पर इसका जो मोस्ट प्रोबेबल आंसर है वो आंसर सी ही है, जो मोस्ट प्रोबेबल लग रहा है, मतलब श्योर नहीं हूँ, तो उसके ऊपर जो मोस्ट प्रोबेबल आंसर है पर ऑप्शन सी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 में अगर आप देखोगे तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो आपका आंसर है वो ऑप्शन ए है। ठीक है, इसमें सिंपल आपको मैच कराना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 में है, तो अब ये सारे जो है सिंपल एक डेफिनेशंस उठाई गई हैं जियोफिजिक्स की बुक्स से। अगर मैंने जैसे आपको पिछले वीडियोज में बोला था, स्टार्टिंग में मैं शुरू से ही बोलता आ रहा हूँ कि आपकी सिर्फ दो ही बुक हैं, विलियम्स लोरी है और टेलफोर्ड है, और अगर उसके साथ भी आप पढ़ना चाहते हैं तो ब्रूक्स का एक बुक है वो पढ़ लीजिए। तो ये सारी बुक्स से ही मोस्टली ये क्वेश्चन जो है डेफिनेशन से उठा लिए गए हैं, फैक्ट्स से उठा लिए गए हैं, तो मोस्टली जो क्वेश्चन हैं वहीं से उठाए गए हैं आपके। ठीक है, तो आपने अगर किसी ने अच्छे से विलियम्स लोरी या टेलफोर्ड वगैरह पढ़ा होगा तो उसके लिए बहुत मतलब टफ नहीं कहूंगा, मॉडरेट मॉडरेट से भी नीचे इजियर साइड की तरफ ये पेपर रहा। क्वेश्चन नंबर 16 का आपका ऑप्शन ए है, क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन सी है आपका करेक्ट, क्वेश्चन नंबर 18 का जो आंसर है वो आपका है आंसर बी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर अगर 19 हम देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 19 में आपका आता है 1000। ओके, इसका जो मोस्ट प्रोबेबल आंसर, इसमें कंफ्यूजन रहता है कि ए है या बी है, पर जो अगर आप कैलकुलेशन करोगे, जो फॉर्मूला आपको दिया हुआ होता है लॉग ई करके जो एक फॉर्मूला है, 4.8+ में कुछ करके एक फॉर्मूला रहता है, तो उसको आप करोगे लॉग ई इक्वल्स टू 4.8 करके एक फॉर्मूला है, वहाँ से अगर निकालोगे आप, या 32 की पावर भी, मैं हम जनरली क्या करते हैं 2 कर देते हैं उसको, 32 की पावर 2, पर वो एग्जैक्टली में 2 नहीं है, वो अप्रोक्सीमेटली 2 होता है, तो जब मोट एक आइडिया लगाना होता है तो हम 32 की पावर 2 कर देते हैं, मतलब कितना चेंज हो रहा है, दो मैग्नीट्यूड हमें दिया है उसमें डिफरेंस कितना है, उसको हम 32 की पावर में डाल देते हैं, पर एक्चुअल में वैसा नहीं है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो मोस्ट प्रोबेबली ऑप्शन सी होना चाहिए। उसके बाद ऑप्शन जो 20 है, 20 का आंसर मोस्ट प्रोबेबली बी होना चाहिए, एंड 21 का जो ऑप्शन है वो आपका है आंसर डी। ये सब मैं मोस्ट प्रोबेबल आंसर बता रहा हूँ, क्योंकि अभी बहुत ही कम टाइम में मैंने इसको सॉल्व किया है और उतना टाइम नहीं दिया है, तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर है आपका आंसर बी। उसके बाद 23 का आपका आंसर है बी। इसमें अगेन एक प्रॉब्लम है, अगर आप ढंग से देखोगे इस क्वेश्चन को तो फर्स्ट चीज ये है कि देखो जो पहला ऑप्शन दिया हुआ है उसमें सरफेस इंटीग्रल बताया हुआ है, पर जो इंटीग्रेशन है वो डायरेक्शनल बेसिस पे है, वरना 1D में इंटीग्रेशन है, पर जो उसका वो दिया हुआ है वो आपको नोटेशन डेल एस दिया हुआ है, अगर वो डेल सी होता मतलब कंटूर के रेस्पेक्ट में होता तो ऑप्शन ए सही था, पर अभी ऑप्शन बी अगर स्टोक्स थ्योरम से आप देखोगे तो आपका ऑप्शन बी सही होता है। डाइवर्जेंस एक तो आपका सोलेनोइडल होता है तो वो तो ऑप्शन में गया, अब तो सी और डी तो वैसे ही बाहर होंगे, तो ऑप्शन बी जो है आपका वो मोस्ट प्रोबेबल है। उसके बाद 24 का जो आपका आंसर है वो है डी। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखोगे 25 में जो आपका आंसर है वो आपका आंसर है डी,
26 का आपका आंसर है बी, 27 का आपका आंसर है, इसका आपका आइगन वैल्यू सिंपल निकालना है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इसका 27 का आपका आंसर है डी। ठीक है, थोड़ा डिफिकल्ट होगा पर 2D मतलब 2 × 2 का मैट्रिक्स है तो उतना भी टफ नहीं है इसका वो निकालना, थोड़ा टाइम टेकिंग आप कह सकते हो कि टाइम टेकिंग था। उसके बाद 28 में आपका ऑप्शन है डी, 29 में आपका है ऑप्शन ए। ये तो काफी सिंपल क्वेश्चन है, आपको सिंपल ग्रेविटेशन में पोटेंशियल से भी अगर मतलब सिंपल पोटेंशियल के टर्म्स में भी देखोगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद 30 का भी आपका आंसर है डी। उसके बाद आपका 31 में अगर आप जाते हो तो इसका 31 का जो आपका आंसर है वो ग्रेविटेशनल वेव है, ये तो सभी को पता होगा। उसके बाद 32 का अगर आप आंसर देखोगे तो आंसर इसका होना चाहिए बी। ठीक है, एक बार खुद से कैलकुलेट करके चेक करना, मोस्ट प्रोबेबल आंसर बी है उसका। उसके बाद 33 का जो आंसर है आपका वो भी है बी। ये सिंपल एंगुलर मोमेंटम और मोमेंटम ऑफ इनर्शिया का क्वेश्चन है तो आप वहां से कर सकते हो। उसके बाद 34 का जो 34th में जो आपका आंसर है वो है आंसर डी। ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन था, इसको अगर नहीं भी किया होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उतना। तो 35 का जो आंसर है वो है आपका बी। ठीक है, ये तो शायद आप सभी को पता होगा टाइम लाइक स्पेस लाइक में होगा तो आप निकाल सकते हो। जो क्या दिया हुआ है एकदम ठीक है, तो इसका इतना ज्यादा अच्छे से मतलब एक बार आप खुद चेक करना है, क्रॉस चेक करना है इसको टाइम लाइक में ऑप्शन के लिए। उसके क्वेश्चन नंबर 36 का जो आंसर है वो है आपका बी, 37 का जो आंसर है वो है आपका बी वापिस। ये काफी ये जो क्वेश्चन है ये थोड़े जियोफिजिक्स के लिए थोड़े टफ हो जाएंगे, अगेन फिजिक्स वालों के लिए थोड़े सिंपल है क्योंकि इतना ज्यादा रिलेटिविटी के उतने तगड़े क्वेश्चन नहीं है जितने देखने में लग रहे हैं। उसके बाद 38 का जो है आपका आंसर है वो है सी। अकॉर्डिंग टू स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी द स्पीड ऑफ लाइट इज डिपेंडेंट द स्पीड ऑफ लाइट इज डिपेंडेंट ऑन रिलेटिविटी। तो इसका आपका ऑप्शन सी और डी भी दोनों सही है क्योंकि वैक्यूम में तो स्पीड ऑफ लाइट इन डायरेक्शन इंडिपेंडेंट हो जाएगी। उसके बाद पर इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जो है फिजिक्स के लॉ सारे जो हैं वो कांस्टेंट रहते हैं, बट अगर आप नॉन इनिशियल फ्रेम में जाओगे तो वो सारे चेंज हो जाते हैं तो डिपेंडेंट हो जाएंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस के। तो ऑप्शन सी और ऑप्शन डी दोनों में से ही दोनों सही हैं इसमें उसके ऊपर। ठीक है, उसके बाद 39 का जो आंसर है वो है आपका सी। के बाद 40 का जो आंसर है आपका वो है डी। 41 का जो आंसर है आपका वो है बी। ठीक है, ये आप नोट करते जाइए। उसके बाद 42 का जो आंसर है ये काफी सिंपल क्वेश्चन है तो इसका आंसर है डी, ये आप सीधा निकाल दोगे, प्रोबेबिलिटी पूछा हुआ है इन्होंने। उसके बाद 43 का जो आंसर है वो है ए। उसके बाद 44 में अगर आप देखोगे तो 44 भी इतना ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, सिंपल आपको डॉट प्रोडक्ट करना था तो आप वहां से डॉट प्रोडक्ट करते तो सीधा निकल जाता, तो ऑप्शन ए जो है आपका सही है। 45 में जो आपका आंसर है वो है आंसर बी। ठीक है, अगेन इसमें उतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दिया है। उसके बाद 46 का जो आंसर है आपका वो है बी। 47 का जो आंसर है वो भी अगेन बी। ठीक है, और 48 में है आपका आंसर सी। 49 में अगर आप देखोगे तो सिंपल टेलर्स एक्सपेंशन किया हुआ है तो इसमें जो है आपका आंसर है ए। ठीक है, उसके बाद अगर क्वेश्चन नंबर 50 देखोगे तो क्वेश्चन नंबर 50 में आपका आंसर है बी। 51 में आपका आंसर है बी। ठीक है, सेकंड ऑर्डर। उसके बाद 52 में भी आपका आंसर बी है। 53 में आपका आंसर डी। 54 में आपका आंसर है बी। ये थोड़े फिजिक्स के क्वेश्चन है, मे बी जियो फिजिक्स वाले ने भी बीएससी में तो फिजिक्स पढ़ाई है तो कुछ ज्यादा ना प्रॉब्लम नहीं होगा। उसके बाद 55 में आपका आंसर है सी।
56 में आपका आंसर है बी, ठीक है, 56 में आपका आंसर है बी, एक बार चेक करना है इसको वापस, 57 में आपका आंसर है सी, 57 में आपका आंसर सी, 58 में आपका आंसर है बी, 58 में आपका आंसर है बी, राइट। तो ये मैंने थोड़े थोड़े सॉल्व करके एक जगह पे लिखे हुए हैं, वहां से मैं अभी लगा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, तो आप वहां से चेक कर लीजिए एक बार खुद से, क्रॉस चेक करना। उसके बाद 59 में आपका आंसर है सी, ठीक है, 59 में आपका आंसर सी है। उसके बाद 60 में आपका आंसर है डी, 61 में आपका आंसर है बी, 62 में आपका आंसर है ए, 63 में आपका आंसर है बी, 64 में आपका आंसर है ए, डिस्प्लेसमेंट करंट ऑब्वियसली एम्पियर्स लॉ में आएगा। उसके बाद 65 में आपका आंसर है बी, 66 में आपका आंसर है डी, ठीक है। तो ये सिंपल रिलेशंस को मैच कराया हुआ है, मैक्सवेल इक्वेशंस ही हैं, ज़्यादा कोई करना नहीं है। उसके बाद 67 में जो आपका आंसर है वो है सी, उसके बाद 68 में भी आपका आंसर है सी, 69 में आपका आंसर है सी, 70 में आपका आंसर है सी, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा बी और सी पे फोकस किया है इस बारे में। 71 में आपका आंसर है बी, ये स्क्रीन डेप्थ अगर आप यहाँ से निकालोगे तो सीधा वो किलो हर्ट दिया हुआ है, रेजिस्टिविटी भी आपको दिया हुआ है, कंडक्टिविटी आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप निकालते हो इसको तो ये एक बार क्रॉस वेरीफाई करना कैलकुलेशंस को, 72 में आपका आंसर है बी, और उसके बाद 73 में आपका आंसर है बी, 74 में आपका आंसर है ए, मोस्ट प्रोबेबल आंसर मैं बता रहा हूँ, नॉट ए, 74 का जो आंसर है आपका वो होना चाहिए पोल के रिगार्डिंग में, डायगोनल श्योर नहीं है, तो ए तो नहीं होना चाहिए, मोस्ट प्रोबेबली बी होना चाहिए, डायगोनल जो रीशंस हैं ग्रीनविच के पे सबसे ज्यादा होते हैं, ग्रीनविच जो है उसके बाद 75 का आपका आंसर है ए, ठीक है, मोस्ट प्रोबेबल आंसर है 74 का, श्योर नहीं है। तो उसके बाद 76 में आपका आंसर है बी, 77 में आपका आंसर है डी, ठीक है, ये सारे जो क्वेश्चन है विलियम्स लॉरी से ही उठा के रखे गए हैं यहाँ पे। उसके बाद 78 में जो आंसर है वो है ए, 79 में आपका आंसर है, 79 में आपका क्या है, अगेन ये थोड़ा सा डिबेटेबल है क्वेश्चन, इसमें थोड़ा सा वो है, पर इसका जो मोस्ट प्रोबेबल आंसर है वो ये माइग्रेशन है जो नॉट जनरली यूज नहीं होता है इफेक्ट ऑफ ट्रांजिशन में, 80 में आपका आंसर है ए, 81 में आपका आंसर है ए, अगेन ये एक बार चेक करना वापस कैलकुलेशन, 82 में आपका आंसर है बी, 83 में आपका आंसर है डी, 84 में आपका आंसर है ए, ठीक है, 84 में आपका आंसर है ए। देखो अब ये जो था थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, तो आपको क्या करना है यहाँ पे, ये जो तीन कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं ये जनरली क्या दिया हुआ है आपको, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसमें ये तीनों कोऑर्डिनेट जो हैं ए सी बी और ए दिया हुआ है, ठीक है। तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, ये आपकी क्वाड्रेंट की इक्वेशन, इक्वेशन क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। तो ये जो यहाँ पे कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं हमें वो सी बी ए दिए हुए थे, जो वेवलेट्स में जो जनरली हम देते हैं वो सी बी ए के फॉर्म में देते हैं, ठीक है। अब आपको उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालने हैं, अगर वो रूट्स का जो मॉड्यूलेशन है, जो जो मॉडुलस है वो ग्रेटर देन वन आता है, तो उसका जो है वो मिनिमम फेज वेवलेट होता है, समझ में आया। इसको एक पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं वो सी बी ए के फॉर्म में दिए हुए हैं, और इक्वेशन आपकी होगी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब जो इक्वेशन है उसके अगर आप रूट निकालोगे और उसका उनका मॉड्यूलस अगर ग्रेटर देन वन आता है तो उसको मिनिमम फेज वेवलेट बोलते हैं, तो वो जो है आपका ऑप्शन सी ए में सिर्फ सेटिस्फाई हो रहा है, तो ऑप्शन ए जो है आपका वो करेक्ट है, ठीक है। उसके बाद 85 का आपका आंसर है सी, ठीक है,
86 का आपका आंसर है बी, 87 में आपका आंसर है डी, 87 में आपका डी है, उसके बाद 88 में आपका आंसर है ए, 89 में आपका आंसर है बी, 90 में आपका आंसर है सी, 91 में आपका आंसर है ए, 92 में आपका आंसर है बी। ठीक है, ये काफी सिंपल वन वर्ड टाइप के क्वेश्चन आ गए हैं। उसके बाद 93 में आपका आंसर है डी, 94 में आपका आंसर है डी, 95 में आपका आंसर है डी, 96 में आपका आंसर है बी, 97 में आपका आंसर है सी, 98 में आपका आंसर है बी। जो ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये तो आपको फिजिक्स और जियोफिजिक्स दोनों में मिल जाएगा। तो जो वैक्यूम का जो इम्पीडेंस रहता है वो 377 ओम रहता है। ठीक है, 99 में जो आपका आंसर है वो है बी, 100 में जो आपका आंसर है वो है बी, 101 में आपका आंसर है ए। ये भी सिंपल क्वेश्चन है, वाटर की परमिएबिलिटी कितनी रहती है। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट नहीं पूछ रहा है, परमिएबिलिटी पूछ रहा है, परमिटिविटी नहीं पूछ रहा है, परमिएबिलिटी पूछ रहा है। ठीक है, 102 में है आपका बी, 103 में है आपका बी, 104 में आपका है ए, ठीक है, 105 में आपका मेरा न्यूक्लिया पूछ है ए। मेरा न्यूक्लिया क्या रहता है आपका, इतना तो सभी को पता होगा यार, इसमें मैं क्या बताऊंगा। 106 में है आपका सी, 107 में है आपका बी, 108 में है आपका आंसर बी, 109 में आपका आंसर है सी। अच्छा ये देखो, ये है बाइंडिंग एनर्जी, ये तो अगेन डिबेटेबल है। बाइंडिंग एनर्जी जो रहती है वो किस तरह से डिपेंड हो, ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन नहीं पूछ रहा है। ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी पूछ रहा है, तो बाइंडिंग एनर्जी जो रहेगी वो क्या रहेगी, वो मतलब स्टेबल क्या, अगर आप बात करोगे तो ड्यूटेरियम जो है हाइड्रोजन का स्टेबल है, पर अगर आप ट्रिटियम की अगर बात करोगे तो वो अनस्टेबल है, पर उसकी बाइंडिंग एनर्जी जो है वो काफी ज्यादा है, तो आप उसको दूसरी साइड में है। तो इसमें बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन नहीं पूछा, बाइंडिंग एनर्जी पूछा है, तो मोस्ट प्रोबेबली जो आंसर है वो ट्रिटियम होगा, ये नहीं होगा, ड्यूटेरियम नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद 110 में आपका आंसर है सी, पूछा है आपको तो कंसीडर थ्री एंड थ्री एस न्यूक्लियर है द, हाँ तो इसमें जेड का कंट्रीब्यूशन आएगा तो आपका सी आएगा आंसर। ठीक है, उसके बाद 11th में है आपका आंसर बी, 11 इसमें बाद है डी। ठीक है, उसके बाद 113 में आपका आंसर है बी। काफी सिंपल, अगर देखो तो मतलब थोड़ा कैलकुलेशन पार्ट रखा गया है, थोड़ा लंबी है पेपर, पर इतना ज्यादा भी टफ नहीं है। 114 का आंसर है आपका ए, 115 का है आपका सी, 116 का है आपका आंसर डी, 117 में है आपका आंसर सी, ये तो सभी को पता होगा, 118 में है ऑप्शन बी, 119 में है ऑप्शन डी और 120 में है ऑप्शन सी। तो ये आपका जो पेपर था इसके मोस्ट प्रोबेबल आंसर हमने आपको दे दिए हैं, और कुछ के तो तरीके भी बताए हैं किस तरह से आपने सॉल्व करना है वो। ठीक है, ये मोस्ट प्रोबेबल आंसर थे। तो आप हमें, अगर इसमें आपको कुछ डाउट्स रहते हैं कि इसमें ये नहीं सर, ये वाला मोस्ट प्रोबेबल आंसर नहीं है, ये इसका सोल्यूशन ये है, जो भी आपकी बेस्ट नॉलेज के हिसाब से, तो वो आप हमें बता सकते हैं कमेंट बॉक्स के थ्रू। ठीक है, बाकी जो भी अदर रिलेटेड हैं, जैसे जीएस पेपर का सॉल्यूशंस है और जो कट ऑफ से रिलेटेड है वो हम पहले बना चुके हैं, तो आप उनको भी देख सकते हैं, जो 2022 की कट ऑफ कितनी रहेगी वो सब। ठीक है, तो उसके अलावा हम आप हमारे चैनल पे लगातार ये सब वीडियो और डालते रहते हैं, तो आप इनके से इनके लिए सब वीडियोज से रिलेटेड जानकारी, अगर और सिमिलर वीडियोज आपको देखने, तो हम हमें फॉलो भी कर सकते हैं, टेलीग्राम पे भी हैं, हमने ग्रुप बनाया हुआ है, चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको फिर भी कोई लगता है कि कोई क्वेश्चन में अगर कोई डाउट है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ये अगेन मोस्ट प्रोबेबल आंसर्स हैं, मैं वापस नहीं कहता कि ये 100% आंसर्स हैं, पर ये मान लीजिए कि आप 95-96% तो 99% तो यही आंसर्स हैं। ठीक है,
सो थैंक यू वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए।